अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, एंड स्टूडेंट्स को हमें स्पेशल बुलाया गया है। एंड यू नो व्हाट, मैं यहाँ पे इतनी खुश हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को घर से बुलाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब बच्चों का तो स्कूल आने को दिल ही नहीं करता, लेकिन जब भी हम अपने किसी भी फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों को कॉल करते हैं तो बच्चे और पेरेंट्स बहुत ही कोऑपरेशन और जज्बे के साथ स्कूल आ जाते हैं। सो यहाँ पे आज बच्चे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बच्चे फ्लैग्स के साथ साथ प्लांट्स भी लेके आए हैं। यू नो व्हाट, आजकल गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ इसको प्लांटेशन डे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आज के दिन हम प्लांटेशन भी करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी करेंगे और बहुत कुछ जो है वो सेलिब्रेशन के लिए आएगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप हर चीज़ को इंजॉय कर सकें। यहाँ पे हम सब असेंबली के लिए इकट्ठे हुए हैं और इन बच्चों को देख के आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने ज़्यादा खुश हैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मतलब सबके पास फ्लैग्स और प्लांट्स और बहुत कुछ जो है वो और चीज़ें लेके आए। मतलब कुछ ने तो इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी, मुझे उनको देख के बहुत खुशी हो रही थी। स्टूडेंट्स के साथ साथ हम टीचर्स भी किसी भी डे को सेलिब्रेट करने के लिए पीछे नहीं रहते। यहाँ पे सब टीचर्स अपनी फुल तैयारी में आई हैं और बहुत अच्छे तरीके से रेडी होके कि हमने आज इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना है। स्टूडेंट के साथ साथ हम भी सुपर एक्साइटेड होते हैं इन डेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब इनमें बहुत कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीचेस होंगी और कुछ बच्चों ने नगमे भी गाए और कुछ बच्चों ने पोइट्री भी पढ़ी। मतलब उन बच्चों को इस चीज़ का आइडिया है, मतलब ये हमने उनको ये चीज़ें बतानी है ना कि इन डेज़ का क्या, इन डेज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सिर्फ यही चीज़ें बताने के लिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब असेंबली जो है वो कंडक्ट की जाती है कि बच्चों के इन डेज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे एक बच्चा पोएट्री पढ़ने के लिए आया है। हमारा वतन सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन है। दरिया रवां गीत गाते हुए, पुरानी कहानी सुनाते हुए, कहानी है सारे का सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सब Thank you for Gaan, that was beautiful. It is time to hoist the flag of our beloved. तो ये सब पॉइंट्स वगैरह गाने के बाद फ्लैग होस्टिंग की गई। फ्लैग होस्टिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हेड्स ने मिलकर की और उसके बाद कौमी तराना भी गाया गया। Let's stand straight in honor of the national anthem of Pakistan. और ये लहराता हुआ झंडा हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे इन पाकिस्तान। इट कमेमोरेट्स द डे व्हेन पाकिस्तान अचीव्ड इंडिपेंडेंस एंड वाज डिक्लेयर्ड अ सॉवरेन स्टेट। ये बच्चों ने इतनी अच्छी स्पीच तैयार की हुई थी ना, मतलब इस पे मेहनत होती है बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी। मतलब सब मिलके जो है वो बच्चे पे मेहनत करते हैं और वो फिर इस काबिल होते हैं कि वो हमें इस तरह से नज़र आएँ कि वो डिबेट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे सब टीचर्स भी झंडे पकड़े हुए अपने आप को आज़ादी का हिस्सा बनाते हुए, हम लोग भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि जश्न आज़ादी ये सब के लिए होता है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। ऑल द टीचर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि हम भी हर चीज़ को उसी तरह से मनाते हैं जिस तरह बच्चे मनाते हैं। मतलब वो समटाइम इंसान अपने आप को ऐसा फील कराना शुरू कर देता है कि जैसे हम भी बच्चों की तरह ही हैं। तो यहाँ पे बच्चे झंडे लहराते हुए साथ साथ मिली नगमे सुन रहे थे और साथ साथ उन्होंने फ्लैग्स। Every child has recalled the history of the day, sacrifices and यहाँ पे एक बच्ची मैंने देखी जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथों पे मेहंदी लगाई थी जिस पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने चूड़ियाँ पहनी थी और बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था और वैसे भी बहुत प्यारी लग रही थी।
अभी यहाँ पे सब बच्चों को इकट्ठा किया गया जो प्लांट्स लेके आए थे और तैयार होके आए हुए थे, इन सबकी फ़ोटोग्राफ्स ली गई और उसके बाद इनको बताया गया कि सब जो प्लांट्स वो लेके आए हैं वो प्लांट किए जाएंगे और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी इनको बताई जाएगी। इसके बाद बच्चों को गार्डन में ले जाया गया और प्रिंसिपल ने और वाइस प्रिंसिपल ने सब बच्चों के साथ मिलकर प्लांटेशन की। यहाँ पे बच्चों के प्लांट्स लगाए गए, यहाँ पे सब बच्चों को था कि भाई मेरा प्लांट सबसे पहले लग जाए। एज़ यू नो दैट बच्चों को ये एक्साइटमेंट होती है कि हमारा पहले लग जाए, तो यहाँ पे सब बच्चों के प्लांट्स लगाए गए और फिर उनको जो है वो इस चीज़ के बारे में बताया गया कि ये प्लांट्स जो है वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जश्न आज़ादी के मौका पर हम ये प्लांटेशन डे भी मनाते हैं साथ में, और जब साथ मिलकर ये सब काम किए जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब बच्चे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चों ने प्लांटेशन की और ये उनको सब चीज़ें जो है वो करवाई गई। यहाँ पे वन बाय वन सब बच्चों ने प्लांटेशन की, बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर भी एक प्लांट लगाया। हर साल हम प्लांटेशन डे मनाते हैं और हम प्लांट्स लगाते हैं, तो इस दफ़ा भी ये जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप भी प्लांट लगाएं और ये जो है वो पौधे जब बढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि पौधे लगाना कितना ज़्यादा खुशी देता है और ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने ये डे बच्चों के साथ मिलकर मनाया और हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि बच्चे कितना ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। सो ये डे जो है वो हमें हमेशा याद रहेगा और ये ऐसे डेज हम आइंदा भी मनाते रहेंगे। सो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपके साथ हम अपनी शेयरिंग करते रहेंगे। सो ये मोटिवेशन है आपकी तरफ से अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो का लाइक करते हैं। सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।